गणपते नमः। हम गणेश उत्सव में बहुत सारे लड्डू मोदक बनाते हैं और बांटते हैं ना, और वो सारी चीजें करते हैं जो गणपति पापा को प्रिय है। पर फिर लगे हाथों पॉल्यूशन क्यों करना? पॉल्यूशन तो गणपति पापा को प्रिय नहीं है। आप जाने अनजाने गणेश उत्सव मनाते मनाते वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन कर देते हैं। हम हर गणेश उत्सव में पीओपी से बनी मूर्तियां ही खरीदते हैं, क्योंकि वो सस्ती, हल्की और आकर्षक होती है। पर थोड़े से पैसे बचाने के लिए और थोड़ी सी वाहवाही पाने के लिए आप अनजाने में अपनी फ्यूचर जनरेशन को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं। पीओपी से जब मूर्तियां बनी होती है और आप उन्हें विसर्जित करते हैं, तो वो पानी में जाकर और सख्त हो जाती है और सालों तक यूं ही पड़ी रहती है। क्या आप इसी श्रद्धा से विसर्जन करते हैं? इसलिए विसर्जन तो नहीं करते ना। और इस दुष्कर्म की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि आप में से सभी लोग पीओपी से बनी मूर्तियों को रियूज नहीं करते। आप उसे समुद्र, नदी, तालाब में सिर्फ विसर्जित कर देते हैं। पर अगर वाटर पॉल्यूशन की मात्रा आपको कम करनी है, तो आपको इस उत्सव से ही बकेट यानी कि बाल्टी में विसर्जन करना शुरू करना होगा। जस्ट फॉर नेम से अ सिंबॉलिक इमोशन। और इसके लिए आपको पेपर या तो मिट्टी से बनी हुई गणपति मूर्तियों को खरीदना होगा और इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण स्नेही व्यक्ति बनना होगा। और विसर्जन के बाद इस मिट्टी वाले पानी का भी उपयोग है। आप इसे गार्डन में डाल सकते हैं और इस धरती की ग्रीनरी में भी सहयोग दे सकते हैं। पूजा के फल, फूल इत्यादि आप निर्मले कलश में डालिए, डिकम्पोज करिए और उसकी खाद बनाइए। उसे नदी, तालाब, समुद्र में मत डालिए। अगर आप विसर्जन नहीं करते, तो आप परमानेंट गणपति मूर्तियां लें जो पीतल, चांदी या पत्थर से बनी हो। और डेकोरेशन के लिए आपको घर पर से ही प्लास्टिक और थर्माकोल पर बैन लगाना होगा। चलिए इस गणेश उत्सव एक कदम बढ़ाते हैं बदलाव की ओर, इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण स्नेही गणेश उत्सव की शुरुआत कर। इस गणेश उत्सव मनोरंजन पर कम और सेवा कार्य में ज्यादा पैसा खर्च करिए। सिंदूर दान चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। मला खूप आनंद होतोय की हिराली फाउंडेशन जे आहे एनजीओ उल्हासनगर जे आहेत ते कल्याण डोंबिवली या एरियामध्ये खूप चांगलं काम करतात। आता त्यांनी इको फ्रेंडली गणपतीचा जो प्रोग्राम हाती घेतलेला आहे, त्यामुळं सगळ्या नागरिकांना माझं आव्हान आहे की त्यांनी त्यांना सहकार्य करावं व इको फ्रेंडली हा फेस्टिवल साजरा करावा। मैं तो समझ गई, अब आपकी बारी है। ये बदलाव हम सभी को लाना होगा, क्योंकि इस पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सोचिएगा जरूर।